हिजाब पर होने वाली सुप्रीम सुनवाई की। ऐसे नहीं कर सकते ना हम लोग, हम लोगों के लिए हिजाब कोई छोटी बात नहीं है। ये फिर फ्रीलांसिंग करेंगे, घर बैठ के काम करेंगे, लेकिन अभी से ये रूल क्यों निकाला जा रहा है? मन तो नहीं है लेकिन नहीं करेंगे फिर। आपको याद होगा मुंबई के कॉलेज में हिजाब पर प्रतिबंध वाला मामला, अब उससे याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। हिजाब पर बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को दरअसल सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। अब कॉलेज में हिजाब पर बैन हटाने को लेकर जो याचिका है उस पर आज सुप्रीम कोर्ट में ड्रेस कोड को लेकर सुनवाई है। बता दें कि मुंबई के एनजी आचार्य और डीके मराठे कॉलेज के प्रशासन ने हिजाब नकाब बुरका पहनने पर बैन लगाया हुआ है। इसको लेकर छात्राओं ने पहले बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, हालांकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था और हिजाब बैन के फैसले को बरकरार रखा था। इसके बाद उन्होंने अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को चुनौती दी है और इसी मामले पर आज सुप्रीम सुनवाई होने वाली है। देखना होगा कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद क्या सुप्रीम कोर्ट से अब इन छात्राओं को राहत मिलती है या फिर हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा जाता है। और चलिए अब आपको आगे बढ़ते हुए ग्राफिक्स के जरिए ये भी समझाते हैं कि छात्राओं और कॉलेज का इस मामले में क्या कहना है, क्या अपने अपने दावे हैं। तो छात्राओं ने अपना पक्ष रखा है और दरअसल अगर दोनों के पक्ष में आपको बताऊं तो कॉलेज की दलील ये है कि ड्रेस कोड के लिए फैसला उन्होंने लिया है ताकि सभी के लिए सामान्य ड्रेस कोड हो। छात्राओं का आरोप है कि कॉलेज की कार्रवाई जो है वो मनमानी है हिजाब पर पाबंदी लगाने का। ड्रेस कोड के लिए फैसला लिया गया कॉलेज जहां ये कह रहा है, तो छात्राएं जो है इसे मनमानी बता रही है। कॉलेज का कहना है सभी धर्मों के लिए फैसला एक जैसा है, किसी धर्म के लिए धार्मिक पोशाक की इजाजत नहीं है। वहीं छात्राओं का आरोप है कि फैसला राइट टू चॉइस का मामला है। छात्राओं का आरोप ये भी है कि हिजाब इस्लाम का अहम हिस्सा है, जबकि कॉलेज की दलील है कि ड्रेस कोड हर धर्म जाति और छात्रों के लिए बराबर है। हिजाब बैन मुस्लिम के खिलाफ नहीं है, किसी खास धर्म को टारगेट करके नहीं रखा गया है, बल्कि एक ड्रेस कोड जो लागू किया गया है उसमें साफ कहा गया है कि हर धर्म के बच्चों को, स्टूडेंट्स को यही ड्रेस कोड के हिसाब से जो कॉलेज की यूनिफॉर्म है वो पहननी होगी। और देखिए कि जब ड्रेस कोड पर हाईकोर्ट का फैसला आया था उस वक्त हमने कॉलेज की छात्राओं से बात की थी, तब उन्होंने क्या कुछ कहा था वो भी आपको सुनवाते हैं। ऐसे नहीं कर सकते ना हम लोग, हम लोगों के लिए हिजाब कोई छोटी बात नहीं है। ये लोग जबरदस्ती कर रहे हैं। ये लोगों ने क्या किया कि जब भी जितने भी हम लोग मुस्लिम गर्ल्स थे उन लोगों को बुलाया और बोला कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते बेटा, आपको ड्रेस कोड फॉलो करना ही पड़ेगा। लेकिन हम लोगों ने बोला कि ये कोई छोटी बात तो है नहीं, सिर्फ ड्रेस कोड, खाली हम लोगों को बोला जा रहा है कि ड्रेस कोड जो ड्रेस कोड होगा क्या ड्रेस कोड फॉलो करने के लिए आप तैयार रहेंगे? वैसे नहीं तो मन तो नहीं है लेकिन नहीं करेंगे फिर भी। आप किसी ऑफिस में जाएंगे तो वहाँ पर आप हिजाब में जाएंगे या ऑफिशियल ड्रेस कोड में जाएंगे? वो जब ऑफिस जाएंगे तब हम लोग अपने आप को उस हिसाब से ढाल लेंगे या फिर फ्रीलांसिंग करेंगे, घर बैठ के काम करेंगे, लेकिन अभी से ये रूल क्यों निकाला जा रहा है? तो अब कोर्ट ने तो फैसला सुना दिया, अब आगे क्या? अब आगे हमारे एडवोकेट से बात करेंगे क्या है। वैसे तो जो लोग गए हैं वो आएंगे तो फिर डिटेल पता चलेगी। और हमारे साथ हमारे संवाददाता गौरव श्रीवास्तव इस वक्त जुड़े हुए हैं। गौरव, कितने बजे ये सुनवाई है ये भी बताइए, और साथ ही हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ जो याचिका लगाई गई इन छात्राओं की तरफ से उसमें क्या कहा गया इनकी तरफ से? बिल्कुल, देखिए आज जो ये सुनवाई होनी है वो चीफ जस्टिस की बेंच सुनवाई करेगी। अभी जो है थोड़ी देर में ये मामला आएगा, लेकिन जो स्कूली छात्राएं बॉम्बे हाईकोर्ट गई थी उनकी संख्या 9 थी, उनमें से 3 ने जो है दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद जो है खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और उनका स्पष्ट कहना है कि संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) और इसके अलावा अनुच्छेद 29 जो है उन्हें इस बात की स्वतंत्रता देता है कि वो अपने हिसाब से रहें और अपने धार्मिक क्रियाकलापों का पालन करें। तो इसी आधार पर उन्होंने कहा है कि इस तरह की रोक लगाना उचित नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि जो चेंबूर ट्रॉम्बे एजुकेशन सोसाइटी है उसके अंतर्गत आने वाले 2 कॉलेज थे, एनजी आचार्य और डीके मराठा कॉलेज, और वहां पर यह नियम रखा गया कि इस तरह का कोई यूनिफॉर्म में ड्रेस नहीं पहना जाएगा जिससे आपकी रिलीजियस आइडेंटिटी रिवील हो, और कहा गया कि कोई भी नकाब, हिजाब, बुरका, स्टोल, इस तरह की कैप या बैजेस पहनने की अनुमति नहीं होगी और इसके खिलाफ दिल्ली बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि हमें नहीं लगता है कि जो कॉलेज की तरफ से रूल लाए गए हैं उसमें कहीं से भी संवैधानिक अधिकारों का हनन है और कॉलेज के इस तरह के जो आदेश होते हैं वो एक अनुशासन बनाने के लिए होते हैं जो यूनिफॉर्म में आए। ऐसा ही मामला हमने देखा था जब बीजेपी सरकार थी कर्नाटका में और उसने हिजाब पर बैन लगाया था और बहुत विवाद
विवाद हुआ था और मामला हाईकोर्ट कर्नाटका हाईकोर्ट होते हुए सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने फैसला दिया था। दोनों जजों का अलग अलग फैसला था। हेमंत गुप्ता थे और धूलिया जज साहब थे। धूलिया साहब ने कहा कि नहीं, रोक नहीं लगनी चाहिए। गुप्ता साहब ने कहा कि नहीं, इस पर रोक लगनी चाहिए। और उसके बाद मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में लटका हुआ है क्योंकि उस मामले में लार्जेस्ट बेंच बननी है, एकमत से फैसला नहीं आया। अब यहां पर जो सुनवाई होनी है वहां पर तीन लड़कियां आई हैं, उनका कहना कल से उनके एग्जाम शुरू हो रहे हैं और ऐसे में चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट उन्हें तुरंत राहत दे ताकि वो अपने एग्जाम को परस्यू कर सकें और उसी के आधार पर वो अपने संवैधानिक अधिकारों के आधार पर इस चीज की राहत मांग रही है और वो कह रही है कि संविधान इजाजत देता है कि वो अपने धार्मिक रीति रिवाज का इस्तेमाल कर सकते हैं। या क्या फैसला कोर्ट से आता है इस पर नजर रहेगी। और आप बने रहे हमारे साथ अगली खबर।